आज बात करेंगे शिवानी कुमारी के बारे में। जी हाँ, वही शिवानी कुमारी जो कि उत्तर प्रदेश के औराई जिले के रहने वाली है और आज के डेट में बिग बॉस में है। जी हाँ, आप लोग अगर बिग बॉस देखते हैं तो जरूर आप बताइएगा क्या इनको शिवानी कुमारी को आप लोग सपोर्ट या वोट कर रहे हैं कि नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि शिवानी कुमारी भी कुशवाहा समाज से आती है और बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानकारी देंगे। तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम के राज है और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कुशवाहा समाज की कोई बेटी जो कि नीचे से उठकर आज ऊपर तक पहुंची है और बिग बॉस तक गई है, उसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं। देसी भाषा को लेकर उनको विरोध किया जा रहा है, बल्कि वो हिंदी भाषा का उपयोग करती है, हिंदी ज़्यादा बोलती है शिवानी कुमारी, जिनके वजह से उनको बहुत सारे शहरी लोग हैं जो कि उनका विरोध कर रहे हैं। और बहुत देख सकते हैं बिग बॉस का किस तरीके से होता है, आप लोग को पता है कि हमेशा कौन जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कुशवाहा समाज की बेटी वह बिग बॉस तक जाती है और जाने के बाद उनको अभी एलिमिनेट करने वाले थे पर उनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ा, इसके वजह से वो वहाँ पे रह गए। तो उसके बाद वो रोने लग गए और बोल रहे हैं कि जनता ही हमारे सब कुछ है। शिवानी कुमारी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको विरोध करना बन रहा है। सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि एक बैकवर्ड से है और एक दूसरी बात यह है कि इनका पिताजी जो थे वो बचपन में गुजर गए थे, और आई के जिला का था जब ये 8वां में पढ़ते थे तब इनका पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद इन्होंने आपको बता दें कि मजदूरी कर करके पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आपको पता है तो आज वीडियो बना कर ब्लॉगिंग कर आज इनका यूट्यूब पे सब्सक्राइबर के बारे में बात करें तो 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर इनका भी यूट्यूब पे है और ये बिग बॉस में चली गई है। ऐसे बिग बॉस हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बिहार के लड़के लोग हैं या फिर जो भी माता बहन जितने लोग हैं सब लोग अब बिग बॉस देखना स्टार्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी लोग। क्योंकि एक बैकवर्ड के मतलब एक गरीब परिवार की रहने वाली शिवानी कुमारी आज बिग बॉस में गई है और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। ऐसे हम रिचार्ज करवा के कभी भी बिग बॉस देखे नहीं, अगर आप लोग देखे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन इस बार हमको पहली बार लग रहा है कि नहीं, जियो सिनेमा पर जाके 29 रुपये का रिचार्ज है उसको करा कर और शिवानी कुमारी को आप लोग को बहुत ज़्यादा वोट करना चाहिए। अगर बिग बॉस देखते हैं तो बिग बॉस के बारे में आपको जानकारी हो, तो अगर नहीं भी है फिर भी डाउनलोड कीजिए और इस बार समाज के सपोर्ट के बारे में, इस बार ट्रॉफी है जो कि कुशवाहा समाज और उत्तर प्रदेश बिहार के भोजपुरी घाटी पे आना चाहिए। तो इसमें आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस पर आप लोग रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इस पर डे अपडेट देंगे कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किया जा रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जो भी सच्चाई होगा वो चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अगर इस पर इंटरेस्टेड है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, तो हम इस चीज़ पे आप लोग को वीडियो रेगुलर देना चाहते हैं कि शिवानी कुमारी को किस तरीके से आप लोग को सपोर्ट करना है। पहली बात तो डाउनलोड कर दीजिए जियो सिनेमा, 29 का रिचार्ज कीजिए, वोट कैसे करना है आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, सबका आप लोग अपना अपना लोग को वोट करते हैं। तो आपका क्या राय है कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस चैनल पर ऐसा वीडियो पहली बार डाले हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर आप कहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाइए तो इस टॉपिक पर रेगुलर वीडियो डालेंगे और आप लोग भी शिवानी कुमारी के सपोर्ट में एक पोस्ट कीजिए और ढेर सारा वोट कीजिए। बिग बॉस देखते हैं तो जरूर बताइएगा कि आपके नजर में कौन जीतना चाहिए बिग बॉस। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, इस पर अपना ओपिनियन दीजिएगा। बाद बाकी हम वीडियो ऐसे आते रहता है, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।